सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोलेले फाँसी दावा हरिमंदिर में पहाड़ी माता को वार्षिक पूजा करने घोषणा गरेका छन्। यह पूजा 28 जून समय चलने सोमवार मुख्यमंत्री गोलेले फाँसी दावा ब्लक अंतर्गत लुसिपा कारी क्षेत्र में रहकर हरिमंदिर में पहाड़ी माता को 10 दिन पूजा करने घोषणा गरेका हुन्। उनले आफै पूजा गरेर यो वार्षिक पूजा को घोषणा गरेका हुन्। आजबाट सुरु भएको यो पूजा 28 जून सम्म चल्नेछ। हरेक वर्ष सिक्किम का मुख्यमंत्री ने इस मंदिर में पहाड़ी माता को पूजा करने गर्दछन्। इस वर्ष पनि उनले पूजा गरे। मंदिर का संचालकहरूले पहाड़ी माता को पूजा बाहेक अन्य धेरै कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। সিকিমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে আমাদের এই মন্দির আছেন। উনি আমাদের যে বাৎসরিক পূজা আমাদের পণ্ডিতজি সুরেশ দশরিয়াজি ওনার হাত ধরে এই পূজাটা 2019 সাল থেকে হচ্ছে। প্রত্যেক বছর উনি এসে এখানে বাৎসরিক পূজাটা করতেন। আমাদের মূল পুরোহিত যিনি আছেন সুরেশ দশরিয়াজি উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। উনি ওনার উদ্যোগেই সিএমের এখানে আসা এবং সিএম এসে আজকে উনি বাৎসরিক পূজাটা এখানে করলেন। ব্যক্তিগতভাবে উনি করলেন এবং আগামী 28 তারিখে উনি আসবেন। সেদিনে উনি এখানে সেই বাৎসরিক পূজাটা সমাপন করবেন এবং কুমারী পূজাও করবেন। তারপরে আপনার ভাণ্ডারা 3000 মানুষের নবরায়ণ সেবার ব্যবস্থা উনি এটা কি আজকে কোনো বিশেষ তিথি ছিল? হ্যাঁ, এটা একটা গুপ্ত নবরাত্রি চলছে। পণ্ডিতজি আছেন, উনি পণ্ডিতজি ভালো মতো এটু থাকি। আজ পূজা করতে গিয়ে আনে কা বিশেষ আয়োজন তো রা ও গুপ্ত নবরাত্র আজ সে চালু হওয়া হ্যাঁ। और इस पूजा में सिक्किम के मुख्यमंत्री आने का कारण भी ये थे। हर साल आते हैं ये लोग, हर वर्ष वार्षिक उत्सव के समय ये गुप्त नवरात्र का जो टाइम है इसी में पूजा कराते हैं और माँ आषा दशमी के दिन इसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो सीएम साहब सिक्किम से हर वर्ष आते हैं और इसी के लिए आज पूजा का जो संकल्प जो था हम सब लोग को या करने कराने के लिए संकेत करके क्या क्या क्रिया कर्म हुआ है आज? यहाँ आज माँ भगवती का पूजा हुआ है और कन्या पूजन हुआ है, ब्राह्मण पूजन हुआ है और 10 दिन बाद में फिर आएंगे 28 जून को प्रातः 8 बजे फिर आएंगे और नारायण सेवा इत्यादि जो करते कराते आते हमेशा सदैव जो करते वैसे ही फिर करेंगे। मेरा नाम पंडित सुरेश चढ़िया सिलीगुड़ी।